हेलो, तो आज कम ठंड है और इसीलिए मैंने दूसरा वाला जैकेट पहना है जो एकदम ही ज़्यादा ठंड रोकने वाला नहीं है। मेरा प्रखर के साथ प्लान था, मैं और प्रखर सोच रहे हैं कि हम दोनों ही देसी एकदम देसी लोग हैं और न्यूयॉर्क में हैं, तो हम लोग कुछ कंटेंट वगैरह बनाते हैं। तो मेरा प्रखर से मिलने का प्लान था कंटेंट मीटिंग पर, कंटेंट डिस्कस करने के लिए, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था जाने का। तो मैं ट्रेन में बैठ गई, उतर गई, उसके बाद मैंने कैंसिल किया है। उसके वहाँ पहुँच के ऑलमोस्ट यार मन नहीं कर रहा। तो अब देखो, मैं जा रही हूँ भ्रूगी के यहाँ क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया है और मैं वहाँ से, वो भ्रूगी घर पर डिलीवर हुआ है। मुझे एक्चुअली पता होता कि इतनी जल्दी भेज देंगे वो लोग, मतलब तो मैं अपने जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहीं पर डिलीवर करवाती। अब भ्रूगी को शॉपिंग करनी है कुछ, भ्रूगी जा रही है कहीं घूमने अगले हफ्ते, तो वो जा रही है वहाँ शॉपिंग करने। आई विल ज्वाइन भ्रूगी देयर एट द शॉप वेर एवर शी इज़ गोइंग। ज़ारा जा रही है वैसे शायद, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। अब 2-3 दिन बाद मुझे शिवाली के घर से मूव आउट करना है, दूसरी जगह जाना है, तो अब मैं अपनी पैकिंग भी वापस से शुरू कर रही हूँ, जो जो सामान मेरा फैल गया था वो। दिस इज़ मैडिसन स्क्वायर गार्डन बाय द वे। यहाँ पे ज़्यादातर बड़े बड़े कमेडियंस, म्यूजिशियंस सब परफॉर्म करने आते हैं यहाँ पे, और गेम्स वेम्स भी होते रहते हैं, तभी ये लोग यहाँ पे मस्त आ रहे हैं। मेरे ऊपर पानी की बूंद गिर गई ऊपर से। ये देखो, यहाँ पे जब कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है, ये ऐसे रास्ते निकाल देते हैं जिससे आप, मतलब जो चलने वाले लोग हैं वो जाते रहे। भाई चलने वाला इंसान किंग है यहाँ पे, हर आदमी चलने वाले इंसान के लिए रुकता है। कार वार भी जा रही होगी, आप अगर बीच में क्रॉस करने लगोगे तो कार को रुकना पड़ेगा आपके लिए। यार कितना कितना मस्त लगता होगा ना, जो लोग मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करते होंगे, क्या वाइब होती होगी यार, क्या ही वाइब होती होगी। मुझे भी नए जोक सीखने पड़ेंगे यार, अपने को भी नए जोक सीखने पड़ेंगे, परफॉर्म करना शुरू करना है। ऐसे चा धीरे 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 काम नहीं चलेगा। अब तो घर वर और वो सब भी सेट हो गया है, सेट नहीं हुआ है पर बंद फाइनल तो हो गया है। पैसे दे दिए भाई, लीज साइन हो गई, तो अब तो करना ही पड़ेगा। घर मिलने में पोजेशन बोलते हैं ना अपने, मतलब मूव इन में अभी भी टाइम है। मूव इन हमारा 15 दिन बाद का है, तो तब तक के लिए है अपने पास व्यवस्था रहने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि एक बार मूव हो, घर वर सेट हो मेरे को, क्योंकि डेस्कटॉप मतलब डेस्क लगा के एकदम प्रॉपर एक वो भी लेना है, डिस्प्ले मॉनिटर भी लेना है, उसमें मेरा कैलेंडर वगैरह सेट रहे, स्क्रिप्ट वगैरह के लिए भी मेरे को, टेलीप्रॉम्प्टर के लिए भी वो यूज़, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बहुत काम बढ़ गया है यार, एकदम से बहुत काम बढ़ गया। मैंने तो रियलाइज़ नहीं किया था यूनिवर्सिटी का इतना सारा काम है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी के, एक सब्जेक्ट में तो हर हफ्ते असाइनमेंट था, और एक में ऐसा मतलब 2 हफ्ते 2 हफ्ते में सबमिशन रहता था, वो सेम ही असाइनमेंट का, मतलब वो प्रोग्रेस करना था। एक सब्जेक्ट में तो हर हफ्ते नया असाइनमेंट, और एक में से 2 बार में किया, पहले हाफ सबमिट किया, फिर उसी पर प्रोग्रेस की वो। तो अब वही है कि यार इतना काम है स्कूल का, फिर उसके बाद इसका भी काम है, मेरे जो कंटेंट का काम चलते रहते हैं, मेरे व्लॉग का काम चलता रहता है, अपलोड ड्राइव पे अपलोड करना, एडिट देखना, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। व्लॉग का भी बहुत काम हो गया है मेरा, इंस्टाग्राम ट्विटर कंटेंट का भी काम है, मैं लिंक्डइन पे भी कंटेंट करने का ट्राई कर रही हूँ, एजुकेशनल और ऐसे थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह बेसिस पे, तो बहुत काम बढ़ गया है। तो थोड़ा सा रिसोर्सफुल होना पड़ेगा और थोड़ा सा और एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी टाइम मैनेजमेंट वगैरह ढंग से करना पड़ेगा। देखते हैं। ओ देखो, धूप देख रहे हो, शाम हो रही है अभी, कुछ सुबह नहीं हो रही है, सिर्फ धूप। बाप रे, बहुत अच्छा मौसम है आज, 16-17 डिग्री है, विच इज ग्रेट। ये देखो मेडिसन स्क्वायर गार्डन, नहीं पेंसिल्वेनिया स्टेशन है, एमट्रैक। अरे नहीं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन ही है यार, क्या कंफ्यूज होती रहती हूँ मैं, मेडिसन स्क्वायर गार्डन ही है ये, और उसमें नीचे पेन स्टेशन है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अरीना, चेज एंट्रेंस, चेज बैंक। आज शायद कोई गेम है अंदर, यांकीज वगैरह का कोई। ये देखो पेन स्टेशन है वो, मैंने ये बिल्डिंग में भी घर देखा था, काफ़ी काफ़ी अच्छे घर थे इसमें भी, पर काफ़ी महंगे, बहुत ही ज़्यादा महंगे, और जो भाई बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, पर घर अच्छे थे यार, मस्त घर थे, बहुत ही सही व्यू था। और मैं इस तरफ से तो गई ही नहीं थी, जबकि ये मेन एंट्रेंस है, तो मैंने देखी ही नहीं थी, तो मैं देखती तो और मुझे लगता कि यार क्या मस्त जगह है।
एकदम पेन स्टेशन के जस्ट सामने, और दूसरा दूसरी तरफ से गई थी मैं पेन स्टेशन। मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे ज़ारा, और मैं न्यू जर्सी से आई हूँ, उसके बावजूद मैं टाइम पे अच्छे से पहुंच गई हूँ। मुरुगी और परवरी जो है आ रहे होले होले, हम लोग आ गए हैं भाई शॉपिंग करने। लड़कियों को शॉपिंग करनी है इनको, मुझे नहीं करनी है था। मैं पहले प्रूफ कर देती हूँ, बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास इतना सामान जो मेरे बैग्स में भरा पड़ा है अभी, वो वैक्यूम सील बैग में, मैं वो तो यूज़ कर नहीं पाई हूँ। मैं नए कपड़े ले जाके कहाँ से यूज़ करूँगी, और अभी तीन सूटकेस में जीवन निकल रहा है अभी, पता नहीं। अब मेरे को लगने लगा है कि मेरे को इतनी चीज़ों की वो ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, इच्छा मर चुकी है मेरे अंदर की। गाइस ये बनियान ले लेके ज़ारा का, ये देखो कितने का ये बनियान, $27, ठीक ही है, मतलब इंडिया में भी ज़ारा इतने में होता है। आई रियली लाइक दिस टी शर्ट, पर अभी मुझे लेना नहीं है। अच्छा कलेक्शन है, नाइस कलेक्शन। वो वाली शर्ट्स मेरे पास है, ये वाली शर्ट है मेरे पास, आई थिंक यही कलर है, ये दूसरा है पता नहीं है। मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा लगता है कि होली में रंग क्या आ गई है। नाइस पैंट्स। लोग ट्रायल रूम पे के बाहर अपने पार्टनर्स के लिए खड़े रहते हैं, उनके पार्टनर्स ट्राई करते हैं कपड़े, तो देखते हैं बताते हैं अच्छा है कि अच्छा। मैं मुरुगी और परवरी के लिए खड़ी हुई हूँ, मेरे को खुद को कुछ लेना नहीं है, और मेरा कोई मन भी नहीं कर रहा है यहाँ पे आके लेने का, और मैं खड़ी हुई बस मुरुगी ट्राई कर कर के आ रही हूँ, उसको बता रही हूँ लोगों के इनके ही सामान पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये परवरी को लेना है उसका सामान, ये भी उसका सामान, ये सब बैग्स वगैरह गार्ड कर रही हूँ मैं, जब इन दोनों लड़कियों की शॉपिंग चल रही है। अलग ही फेस चल रहा है मेरी लाइफ का अभी, और अब मेरे को फटाफट भागना है। मैं कार्ड लेने आई थी ग्रुप से, वो ही नहीं लिया क्योंकि वो घर पे पड़ा, मैडम लेकर ही नहीं आई, 7:30 बज गए। फटाफट कार्ड लेके फिर डिनर के लिए निकलना है, फिर घर भी जाना है भाई, कल बहुत लंबा दिन है, कल बहुत काम है। क्या मस्त मस्त बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है सनसेट उधर पीछे। और ये मुरुगी और परवरी की शॉपिंग हो चुकी है, मुरुगी को एक गिफ्ट मिला है अम्ब्रेला फ्री, जो कि मुरुगी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, और उसने 15 मिनट झगड़ा किया कि उसको कैंडल चाहिए अम्ब्रेला नहीं, पर उसको अम्ब्रेला ही लेना पड़ा और इसको कैंडल मिली है फ्री। मुरुगी उसको दे दे उसके प्लांट और उससे कैंडल ले ले। नहीं प्लांट्स तो दे ही अम्ब्रेला। अरे मैं एक और रजिस्टर कर देती यार, मेरा अम्ब्रेला ले लेती। ये दोनों लड़ रहे थे पता है कि कौन मुझे रेफर करेगा, किसको गिफ्ट मिलेगा रेफरल वाला, तो मैंने रेफर ही नहीं किया, मेरा नुकसान हो गया, मैंने साइन अप ही नहीं किया। नहीं रुको, ताली छटा लो, इधर आओ मुरुगी, आ जाओ, ताली छटा लेते हैं जो जीता। As if you don't know, चल। But ताली, I don't know ताली क्या होता है। She does it. अपन 1, 2, 3 करेंगे। I know. I didn't see this. Don't. पर यू। अच्छा ताली छटाना उसको नाम नहीं पता है। क्या मतलब? What are the rules? जो तेरे जैसा करे उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो भी odd one out है वो जीतेगा। Or नहीं? We should do copy whatever you are doing. That person will win that. Okay. चलो। अच्छा। चलो। 1, 2, 3 अरे बट रेफरल के लिए ताली छटाई थी हमने, तू रेफर कर सकती है मुझे। ए वो क्या पीछे? What's that? What center? Javits Center. मतलब? अरे एग्जीबिशन होती है। I love how Parvari keeps dragging me like this. I want to guide you. I don't have to know.